डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हेलो डियर लर्नर्स दिस इज शचि गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम चैतन्य स्टूडियो ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आई वेलकम यू ऑल हियर टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट फाइव चेंज इन डिमांड दिस विल कम अंडर पेपर वन ऑफ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम ये देखने वाले हैं तो चलिए चालू करते हैं इस सेशन के आउटकम से इस सेशन को देखने के बाद आप इसको डिमांड जो है हमारी उसको अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स है प्राइस है रिलेटेड गुड्स हैं वो सारी चीजें हम देख पाएंगे यहाँ पे और समझ पाएंगे उसके बाद डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं किस तरीके से आते हैं एक्सपैंड होता है डिमांड या कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी हम इस आउटकम में अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो चेंज इन डिमांड यूनिट में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ठीक है सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड फैक्टर्स क्या होते हैं फैक्टर्स मतलब जो भी चीजें हमारे डिमांड पे असर डाल रही हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनको हम बोलेंगे वो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमारी डिमांड को फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर मैं बोलूं कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसके गुड की डिमांड पे असर डालता है तो हाँ डालता है प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होती है तो प्राइस एक फैक्टर हो गया फिर हम देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं ये डिटेल में एक एक करके हम देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो बातें देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं उसके बाद देखेंगे इनकम ऑफ दाउस होल्ड इसमें नॉर्मल गुड्स इंफीरियर गुड्स नेसेसरी गुड्स फिर देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस और फिर कुछ अदर फैक्टर्स जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो लेट स्टार्ट विथ प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेट्रस पेरिबस दिस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट का मतलब ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना यहां पे हम फैक्टर्स देख रहे हैं सारे ये सारे फैक्टर्स में से सिर्फ प्राइस चेंज होता है अगर सिर्फ ये प्राइस चेंज होता है और बाकी के ये सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं तो प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी मगर यह कब होगा जब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमें यह बोलता है कि सिट्रस पेरेबस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल इफ प्राइस इंक्रीजेस

क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सबस्टिट्यूट गुड्स ये डिस्कस करते हैं पहले अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको साथ में इस्तेमाल किया जाता है साथ में मतलब जैसे कि ये पेन है इस पेन में जो इंक यूज हो रही है उस इंक को मैं पेन के साथ ही यूज कर सकती हूँ सिर्फ इंक का कोई काम नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेन और इंक दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल अगर वो पेट्रोल से चलने वाली कार है तो पेट्रोल और कार साथ में यूज होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए। अब इसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है अगर मैं आपको बोलूं कि इंक के प्राइजेस बढ़ रहे हैं मार्केट में इंक के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आप शिफ्ट करेंगे कि भाई अब मैं इंक नहीं खरीदती अगर इंक नहीं खरीदोगे तो उस पेन का क्या मतलब जिसमें वो इंक डालने वाले हो उस पेन का कोई मतलब नहीं तो पेन की डिमांड भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी किस वजह से कम हुई क्योंकि ये जो इंक इसमें डाल रहे थे उसके प्राइस बढ़े तो पेन की डिमांड कम हो गई क्योंकि लोग अब ये गुड साथ में इस्तेमाल नहीं करने वाले इंक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पेन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दूसरे गुड के प्राइस से इनवर्स रिलेशन होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स पे अब सब्सिट्यूट गुड्स को हम कंपीटिंग गुड्स भी बोलते हैं वॉट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनको एक के बदले एक की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे गेस्ट आते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप टी लेंगे या कॉफी लेंगे, लेंगे या लेमनेड लेंगे तो ये क्या है ये सब्सटीट्यूट है जो चाय नहीं पिएगा वो कॉफी पी लेगा जो कॉफी नहीं पिएगा वो पी लेगा तो ये क्या चीजें हैं सब्सटीट्यूट अब इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है ये डिमांड पे कैसे इफेक्ट डालते हैं हैं अगर टी के प्राइजेस बढ़ते हैं, मार्केट में लगातार टी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी के टर्ड्स कि टी महंगी पड़ रही है तो चलो कॉफी पीने लगते हैं हुआ क्या टी के प्राइजेस बढ़े कॉफी की डिमांड बढ़ गई देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन सब्सटीट्यूट एंड डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट यहां पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इसको पॉजिटिव और डायरेक्ट दोनों बोलते हैं मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड इनकम ऑफ द हाउस होल्ड अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो देखते हैं ये तीन तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं तो दूसरा तरीका इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं तो दूसरा तरीका और अगर नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें एक और अलग तरीका कैसे देखते हैं इसको नॉर्मल गुड्स मतलब जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं इसका इनकम के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी खरीदने की ताकत बढ़ती है कोई भी गुड तो मैं क्या करूंगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मैं डिमांड को बढ़ा दूंगी देर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द गुड एंड डिमांड ऑफ द गुड देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं तो इन्फीरियर गुड्स का केस जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगी उसमें डिस्कस किया है inferior गुड्स का केस अगर हम देखना चाहें तो यहां पे देख सकते हैं कि अगर ज्वार अब किसी की इनकम बढ़ती है फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम बढ़ के हंड्रेड से टू हंड्रेड हो जाती है क्या वो फिर भी इंफीरियर गुड कंज्यूम करेगा डिमांड करेगा नहीं करेगा अब उसकी इनकम बढ़ चुकी है अब उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है जब उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो वो नॉर्मल गुड हाई क्वालिटी गुड पे शिफ्ट होगा रैदर देन कि वो इंफीरियर गुड ही कंज्यूम करता रहे तो होगा क्या जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू अगर मैं बात करूं नेसेसरी गुड्स की तो ऑब्वियसली नेसेसरी गुड्स की डिमांड इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होती फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी आपकी इनकम बढ़े या कम हो अगर आपको कोई बीमारी है आप हार्ट के पेशेंट हैं आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए मेडिसिन लेंगे ही लेंगे डिस्पाइट द फैक्टर कि आपकी इनकम पहले फिफ्टी थाउजेंड थी अभी सेवेंटी थाउजेंड हो गई है आपकी इनकम बढ़ी तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा मेडिसिन ले लो या इनकम मान लीजिए फिफ्टी थाउजेंड से थर्टी थाउजेंड हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेडिसिन बंद कर दो तो डिमांड यहां पे नेसेसरी गुड्स के केस में अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम का और नेसेसरी गुड्स का क्या रिलेशन है कोई रिलेशन नहीं है यहां पे डिमांड नेसेसरी गुड्स की कॉन्स्टेंट रहेगी आई होप ये क्लियर है आपको मूविंग टूवर्ड्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर अब मैं टेस्ट और प्रेफरेंस की अगर बात करूं जिस चीज का हमारा फेवरेबल टेस्ट डेवलप होता है फॉर एग्जाम्पल हम पुरानी मूवीज में देखते थे कि ऐसे बेल बॉटम टाइप पैंट्स चला करते थे जिसके बॉटम्स ब्रॉड होते थे आज की डेट में नैरो चल रहे हैं टेस्ट बदला हमारा पहले कुछ और था आज कुछ और है तो जो आज के गुड्स हैं जो टेस्ट में हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी जो आउट ऑफ फैशन है जिनको आज हम डिमांड नहीं कर रहे हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डिमांड चेंज होती है प्रेफरेंस क्या है फॉर एग्जाम्पल डेली में लक्ष्मी नगर नाम की एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे सी के स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करते हैं उस एरिया में अगर आप जाके यूटेंसिल की बर्तनों की शॉप खोलेंगे क्या उसकी डिमांड रहेगी नहीं वहां बुक्स स्टेशनरी पी इन सब की डिमांड बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्योंकि वहां उस चीजों के लोगों प्रेफर कर रहे हैं और अगर मैं दूसरे एरियाज की बात करूं तो वहां पे अगर बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं तो हमें मेडिसिन की और इक्विपमेंट्स uh, की इन सारी चीजों की शॉप्स ओपन करनी पड़ेंगी क्योंकि वहां की डिमांड उस अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए तो प्रिफर क्या करते हैं कस्टमर्स उसके अकॉर्डिंगली भी डिमांड तय होती है आगे बढ़ते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस मैं गोल्ड का एग्जाम्पल यहां लेना चाहूंगी गोल्ड का रेट मान लीजिए अभी फोर्टी थाउजेंड चल रहा है ठीक है फोर्टी थाउजेंड चल रहा है मेरे घर में मैरिज है मैं गोल्ड लेने जा रही हूं मैंने क्या किया न्यूज चैनल खोला उसमें देखा ये जो गोल्ड का प्राइस है ये अगले महीने बढ़ के सिक्सटी थाउजेंड हो जाएगा मैं क्या करूंगी मैंने प्लान किया था आधा गोल्ड इस महीने लूंगी आधा गोल्ड अगले महीने लूंगी अब प्राइजेस क्या हो रहे हैं अगले महीने दो ट्वेंटी थाउजेंड से बढ़ रहे हैं होगा क्या यहां पे जो मैं अगले महीने प्लान कर रही थी खरीदने के लिए वो मैं इसी महीने खरीद लूंगी इस महीने की डिमांड क्या हुई बढ़ गई क्योंकि फ्यूचर के प्राइस कैसे थे बढ़ रहे थे फ्यूचर में अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो आप आज ही डिमांड बढ़ा लेंगे रेदर देन उसको फ्यूचर में डिमांड करने के इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आप मार्केट निकल रहे थे न्यूज में आया कि गोल्ड का प्राइस इज नाउ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए अगले महीने से तो आप क्या करेंगे आज का गोल्ड खरीदेंगे जो खरीदने जा रहे थे या अगले महीने तक वेट करेंगे वेट करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि रेट कम मिलेगा उससे होगा क्या आज की डिमांड कम हो गई फ्यूचर में प्राइजेस कम होने थे तो आज की डिमांड कम हो गई फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने हैं तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी ये कैसा रिलेशन है पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप आई होप ये क्लियर है आपको अब लास्ट में हमारे आते हैं अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स मतलब ये फैक्टर्स को छोड़ के कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन एक कंट्री की जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा वहां डिमांड भी बढ़ेगी इट्स वेरी ऑब्वियस जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इट डिपेंड्स ऑन कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन में कौन रहते हैं मतलब बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं चिल्ड्रन ज़्यादा हैं या मिडिल एज लोग ज़्यादा हैं अगर ओल्ड एज ज़्यादा है तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की डिमांड रहेगी चिल्ड्रन ज़्यादा है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की डिमांड रहेगी मिडिल एज ग्रुप है तो दोनों चीज़ों की बैलेंसड डिमांड रहेगी तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहां पे हमें यह भी देखना है कि हमारी इनकम जो है वो पूरी कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो लोग अकॉर्डिंगली नॉर्मल डिमांड करेंगे अगर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मतलब कुछ लोग रिच हैं और कुछ लोग पुअर हैं तो होगा क्या जो रिच लोग होंगे वो ज्यादा डिमांड करेंगे जो पुअर लोग होंगे वो कम डिमांड करेंगे तो ये एक फैक्टर और है जो हमारी डिमांड पे असर डालता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन इन डिमांड हमने ये सारे फैक्टर्स देखे ये कौन कौन से फैक्टर्स थे हमारे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं फिर से एक बार देखिए price price of 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 the 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 commodity, related good, income of the household, taste and of the consumer, future expectation about the price. other factors ये मेरे फैक्टर्स थे ठीक है अभी जब मैं expansion ऑफ डिमांड पढ़ूंगी तो इस बात का ध्यान रखना है मुझे कि मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रही हूँ ये सारे फैक्टर्स काम नहीं कर रहे अगर सिर्फ प्राइस चेंज होता है और उसका डिमांड पे असर पड़ता है तो वो डिमांड के कर्व को किस तरफ मोड़ेगा एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो हम देखेंगे रादर देन सारे फैक्टर्स सो मूविंग टू दैट स्लाइड एक्सपैंशन इन डिमांड इसको हम in demanded, तो मेरी डिमांड बढ़ रही होती है इट इज वेरी ऑब्वियस हम बहुत सारा ये पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जैसे जैसे प्राइस गिरता जाता है डिमांड बढ़ती जाती है अब प्राइस अगर गिरेगा और डिमांड अगर बढ़ेगी तो मेरा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके का होगा जो हम देख रहे हैं दिस इज आर डिमांड कर्व पहले एक व्यक्ति था जो ये क्वांटिटी ओ क्यू कंज्यूम कर रहा था और उस गुड का प्राइस जो था वो ओपी था मतलब वो ए पॉइंट पे था क्वांटिटी ओ क्यू और प्राइस ओपी ए पॉइंट पे था अभी हुआ क्या प्राइज रिड्यूस हो गया प्राइस पी से पी वन हुआ कम हुआ प्राइस जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई ठीक है क्वांटिटी भी बढ़ गई आपकी तो आप आ कहा गए ये न्यू पॉइंट पे दिस इज कॉल्ड बी पॉइंट जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए किस वजह से प्राइस के फॉल होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ी तो हम इसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे अगर हम राइट के टूवर्ड्स जा रहे हैं तो वो एक्सपेंशन है और अगर लेफ्ट के टूवर्ड्स जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि हम अभी देखने वाले हैं आई होप ये क्लियर है आप लोगों को आगे बढ़ती हूं मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के टूवर्ड्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जब भी भी मेरे गुड के प्राइजेस बढ़ते हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है अब अगर मैं प्राइस को Y एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड को X एक्सेस पे प्लॉट करूं तो होगा क्या सबसे पहले वो क्वांटिटी जो यूज कर रहा था वो OQ था और प्राइस क्या था OP था मतलब वो पॉइंट कहां था ये A पॉइंट पे था अभी हुआ क्या प्राइजेस बढ़े P से P1 पे पहुंच गए प्राइस तो अभी उसके गुड का प्राइस है OP1 और उसने क्वांटिटी कम कर दी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो गई वो नए ओ क्यू वन पे आया ये अभी ए से बी का मूवमेंट हमारा क्या शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ जाना हमारी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि प्राइजेस बढ़े हैं मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर हम अपने ओरिजिनल ओरिजिनल पॉइंट पॉइंट से से लेफ्ट जा रहे हैं तो से अगर राइट right जाएंगे तो वो एक्सपेंशन होगा आई होप ये आप लोगों को क्लियर है आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या देखा है इस यूनिट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे उसके बाद चेंज देखा एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड के फॉर्म में आई होप आपको ये सब क्लियर है अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट शची डॉट गुप्ता एट द रेट बी एओयू डॉट ई डी यू डॉट इन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग